जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी डीएलएड के सेकेंड पेपर के सिलेबस के बारे में। हम जानेंगे कंप्लीट सिलेबस को, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो हम सेकेंड सिलेबस को डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। हम पहले सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद सिलेबस के अंदर जो पढ़ना है उसको 5 से 6 वीडियो में कंप्लीट, आपका जो सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट किया जाएगा। तो सिलेबस की सीरीज में दोस्तों आज सेकेंड वीडियो है और सेकेंड पेपर के सिलेबस को डिस्कस करना है। आपका सेकेंड पेपर है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, यानी कि टीचिंग लर्निंग थ्योरी या टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल्स भी आप इसको कह सकते हैं। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर का ये पेपर है। तो आइए दोस्तों चलते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है। उससे पहले एक छोटा सा एक नजर डाल लेते हैं आपके पूरे सब्जेक्ट पे। तो आपका पहला सब्जेक्ट था दोस्तों बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसेस, जिस सिलेबस को हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सेकेंड पेपर इसी क्रम में जो आज हमें देखना है दोस्तों वो है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, यानी कि आज टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल्स को आज हमें इसका सिलेबस देखेंगे। बाकी आपके सामान्य विषय जो आपके सब्जेक्ट के विषय हैं वो इस प्रकार से आपके चाहे साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे सोशल स्टडी हो, हिंदी उर्दू संस्कृत कंप्यूटर, दीज ऑल आर सब्जेक्ट्स फॉर द डीएलएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, राइट। सो इन दिस वीडियो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डिस्कस द सिलेबस ऑफ द सेकेंड पेपर टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल शिक्षण अधिगम सिद्धांत का सिलेबस देखेंगे। 3 से 4 यूनिट में आपका कंप्लीट ये सिलेबस डिवाइड है, जिसका पहला यूनिट है दोस्तों संप्रेषण, अंग्रेजी में इसको कहते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके पहले दिखा है शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों, इससे हमेशा हमेशा एक सवाल आपसे पूछ लिया जाता है, और वो सवाल क्या है कि आप क्या समझते हैं, आप शिक्षण अधिगम शिक्षण का अर्थ क्या समझते हैं, राइट। आप टीचिंग के मतलब क्या समझते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, हमेशा से सवाल आपसे पूछा जाता है, यानी कि टीचिंग के अर्थ टीचिंग के उद्देश्य आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो पहला पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है कि शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य। इसका दूसरा पॉइंट संप्रेषण, संप्रेषण एक यूनिट हो गया जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कम्युनिकेशन, राइट। अब इसमें आपको जानना है कि कम्युनिकेशन का अर्थ क्या होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन का अर्थ सिंपल सी बात है, मतलब अपनी बात को किसी के द्वारा पहुंचाना और इस तरीके से पहुंचाना कि उसको समझ आ सके, ठीक है। जब हम इसको सिलेबस को जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसके डेफिनेशन भी जानेंगे, इसके अर्थ की भी जानेंगे, इसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तत्व हैं, वो सब जानेंगे, ठीक है। जैसे तत्वों की बात करें तो 3 तत्व होते हैं, पहला कम्युनिकेट करने वाला, दूसरा कम्युनिकेट को रिसीव करने वाला, तीसरा मीडियम जिस माध्यम से आप कम्युनिकेशन करते हैं। अब माध्यम की बात, चाहे आप बोल के कम्युनिकेट कर सकते हैं, लिख के कम्युनिकेट कर सकते हैं, इशारों के द्वारा भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो जब हम सिलेबस को पढ़ेंगे डीपली तो उसके अंदर इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल हम सिलेबस देख रहे हैं, इसमें संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन में आपके कुछ पॉइंट है। संप्रेषण का अर्थ क्या होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, आवश्यकता क्या है, नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द कम्युनिकेशन, क्या महत्व है, क्या हो सकता है कम्युनिकेशन की, इसके घटक या कारक कौन कौन से हैं, और संप्रेषण के कितने प्रकार होते हैं, और प्रभावी संप्रेषण के तरीके। प्रभावी संप्रेषण के तरीके का मतलब, देखिए बात तो सब करते हैं लेकिन बात करके प्रभाव डालना तो प्रभावी संप्रेषण कहलाता है। कम्युनिकेशन का एक प्रभाव पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, इफेक्ट पड़े सुनने वाले पे। अब जैसे पॉलिटिकल बात करें तो कोई माने या ना माने, लेकिन कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस होते हैं जिनकी स्पीच बहुत अच्छी होती है, ऑपोजिशन वाले भी सुनते हैं, क्यों, क्योंकि उनका कम्युनिकेशन, उसका डिलीवर, उसका स्पीच क्या होता है, अफेक्टिव होता है, प्रभावशाली होता है। तो प्रभावशाली संप्रेषण यानी कि प्रभावशाली कम्युनिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस होता है। अच्छा, उससे पहले एक सवाल यह आता है कि ये आपको डीएलएड में क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि एक टीचर की क्वालिटी होती है, एक अच्छा लीडर होता है, वो एक अच्छा कम्युनिकेटर होता है, एक अच्छा बोलने वाला होता है, एक अच्छा दोस्त होता है, इसीलिए आपको पढ़ाया जाएगा। जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो कैसे एक बेहतरीन तरीके से आप कम्युनिकेट करेंगे अपने बच्चों के साथ। दोस्तों इसमें जो थर्ड पॉइंट है, पहला तो उसका उद्देश्य था कि शिक्षण का अर्थ क्या होता है, उसका उद्देश्य, दूसरा था कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण, थर्ड पॉइंट है यानी कि आप इसको ऐसे भी समझ लीजिए वो है दोस्तों शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, मोस्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट। कुछ यहाँ पे आपको सिद्धांत दिए गए, इन सिद्धांतों के आधार पे आप क्या करेंगे क्लासरूम में टीचिंग करेंगे, इन सिद्धांतों को आपको जानना है, समझना है, प्रैक्टिकल करना है, और उसी आधार पे आप डीएलएड में जब आप करके जब टीचर बनेंगे तो आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। पहला क्या दोस्तों, करके सीखने का सिद्धांत, मतलब कोई जरूरी नहीं कि आप बच्चे को पढ़ाएंगे, कुछ ऐसे आप प्रैक्टिकल काम कराइए, कुछ ऐसा आप उनको एक्टिविटीज दीजिए जिसके माध्यम से बच्चा करके सीखे, ठीक है।
प्रेरणा का सिद्धांत, आप इसको मोटिवेशन का थियरी भी कह सकते हैं, रुचि का सिद्धांत। देखिए ये सारी चीजें वो है ना कि जब हम चीजों को पढ़ाते हैं तो किसको प्रमुख मानते हैं, इस बात समझ में। हम जब पढ़ाएंगे तो एक चीज को प्रमुख मानते, तो हमारे टीचिंग मेथड में कौन सा प्रमुख है, हमारे टीचिंग सिद्धांत में कौन सा प्रमुख है। तो पहला प्रेरणा का सिद्धांत, दूसरा है रुचि का सिद्धांत कि बच्चों का इंटरेस्ट किस में है, इस चीज को जान के फिर हम अपनी टीचिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, नियोजन का, चयन का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिए, अक्सर इससे सवाल आपसे पूछा जाता है। लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत, क्योंकि जब आप पढ़ा रहे ना उस पढ़ाई को अगर बच्चे के जीवन से, लाइफ से जोड़ देंगे तो वो बच्चा जल्दी सीखेगा। जब आप सिद्धांत को पढ़ेंगे उसमें बहुत ही बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है कि कैसे बच्चों को उसके जीवन के सिद्धांत से, जीवन के व्यवहारिक संबंध स्थापित कर देना है ताकि बच्चा जल्दी सीख सके, राइट। अभिवृत्ति का सिद्धांत, निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत, लघु सोपानों का, ठीक है। तो ये वो सिद्धांत है जो कि आपको यहाँ पे पढ़ना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार, बहुत ही अच्छा सिलेबस है, बहुत ही अच्छे टॉपिक्स है जो आपको कंप्लीट आपके डीएलएड के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। इससे पहले कि हम वीडियो को समाप्त करें, आते हैं थर्ड पॉइंट पे, ये सेकेंड लास्ट पॉइंट है, इसके बाद एक और पॉइंट है, बहुत लंबा सिलेबस नहीं है आपका, बहुत इंटरेस्टिंग, छोटा है, इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट चीजें आपको दी गई है। शिक्षण के सूत्र का सिद्धांत, अब आपने ये तो जान लिया, आपने ये तो जान लिया कि शिक्षण कैसे करेंगे, अब शिक्षण के सूत्र को समझिए कि शिक्षण मेथड समझिए, मेथड किस तरीके से आपको पढ़ा। अब एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखेंगे ना, कई तरीके होते पढ़ाने, जैसे मैथ में कुछ लोग, अगर मान लीजिए मैं पहले आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, अगर आप बच्चे को मैथ पढ़ा रहे हैं तो पहले आप फॉर्मूला बता रहे हैं, फिर उसके बाद उसको कह रहे हैं कि आप एग्जाम्पल सॉल्व करो। इसके अलावा ये भी होता है कि पहले आप एग्जाम्पल सॉल्व कराएंगे फिर लास्ट में उसको फॉर्मूला बताएंगे कि ये फॉर्मूला है, तो अलग अलग तरीका होता है। इसी चीज को यहाँ पे मेंशन किया गया कि आपके टीचिंग सिद्धांत की कहा गया है कि सरल से जटिल, पहले आप देखेंगे कौन सा सिंपल है बच्चे के, तो सरल से जटिलता का सिद्धांत, ठीक है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स इसको भी कह सकते हैं, ज्ञात से अज्ञात। अच्छा ये दोनों जो है ना, सरल से जटिल, ये ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, इसको नाम अलग अलग रखा लेकिन ऑलमोस्ट सेम है, जो बच्चे को पता है, हमें बच्चे को, जैसे आप कोई भी बच्चे को पढ़ाएंगे तो वहां से स्टार्ट करिए कि बच्चे को क्या पता है, बच्चे को ये पता है, फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे और लास्ट में वो बता देंगे जो बच्चे को नहीं पता है, करेक्ट। स्थूल से सूक्ष्म का सिद्धांत, मतलब स्थूल का मतलब जैसे मान लीजिए कुछ ऐसी चीजें जिसको बच्चा सोच सकता है, समझ सकता है, जान सकता है, उसके बाद वो बारीक बारीक चीजों की भी हम क्या करना है, बताना है। एग्जाम्पल के तौर पर आप बच्चे को पहले बॉडी ऑर्गन्स के बारे में बताएंगे कि हमारा हाथ है, हमारा कान है, हमारा आंख है, फिर उसके बाद उनकी कोशिकाओं के बारे में बताएंगे, ब्लड्स के बारे में बताएंगे, ब्लड्स के अंदर मौजूद प्लाज्मा के बारे में बताएंगे, उसके अंदर उपस्थित हीमोग्लोबिन, आरएनए, इन सारी चीजों के बारे में बताएंगे, समझ में आ रही बात। तो यही है, पहले स्थूल के बारे में, फिर उसके बाद सूक्ष्म के बारे में बताना है। पूर्ण से अंश की ओर, ये भी बात वही है, अनिश्चित से निश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब जो चीजें दिखाई देती है, ठीक, उसके बाद अप्रत्यक्ष, ये सारे मेथड है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से यहां से उल्टा होता हुआ चलेगा, यहां से क्या हो? उल्टा, विशिष्ट से सामान्य की ओर, पहले स्पेशल फिर जनरल, विश्लेषण से संश्लेषण, मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत, ठीक है, अनुभव से तर्कपूर्ण और प्रकार का, प्रकृति का अनुसरण, ये वो सारे टॉपिक्स है जिसको आपको पढ़ाना है, जिस तरीके से आपको पढ़ाना है। तो इसको पढ़ाने से पहले हमें सीखना भी तो पड़ेगा कि क्या क्या मेथड्स होते हैं, कैसे मेथड्स होते हैं, कैसे क्या करना होता है। सो दिस इज गोना बी द लास्ट पॉइंट, इसमें हम देख लेते हैं शिक्षण प्रविधियां क्या होती हैं। ये आपके सिलेबस का लास्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है शिक्षण प्रविधियां, दोस्तों कुछ विधि है, कुछ मेथड है, उसको भी जान जाइए, जिसमें पहला आपको प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर विधि का मतलब आप बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, उस प्रश्न के माध्यम से बच्चों को समझाएंगे। विवरण विधि, किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करके उसके विवरण विधि से पढ़ाना है। वर्णन विधि को हम कहते हैं व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि, वर्णन विधि किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करके, व्याख्यान विधि का मतलब लेक्चर मेथड इसको कहते हैं, इसमें बहुत कॉपी पेन की जरूरत नहीं होती है, आप क्लासरूम में आके लेक्चर्स देंगे। स्पष्टीकरण विधि, ये सारी विधियों का जनरली आपसे पूछा क्या जाता है, इसके तरीके क्या होते हैं, इसके गुण और दोष क्या होते हैं, ये कैसे, किन बच्चों के लिए ज्यादा जरूरी होता है, किन बच्चों के लिए जरूरी नहीं होता है, इस तरीके का। जैसे ये व्याख्यान विधि है, व्याख्यान विधि बहुत आसान होता है बड़े बच्चों को पढ़ाने के लिए और ज्यादा संख्या में पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो पढ़ेंगे तो इनके पॉइंट्स को हम यहाँ पे टच करते हुए चलेंगे, प्रश्नोत्तर विधि, विवरण विधि, वर्णन विधि, व्याख्यान विधि और स्पष्टीकरण विधि। तो दोस्तों आपके डीएलएड यानी कि यूपी डीएलएड के आपके फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के ये वो सारे क्या थे, टॉपिक्स थे जिसको आपको पढ़ना है।
मैं आशा करता हूँ कि आप एक देखिए कोई भी चीज हो ना तो पहले एक बार सिलेबस जब समझ में आ जाता है फिर उसके बाद पढ़ने में अपनी अलग एक रुचि रहती है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए सहायक होगा आपको सिलेबस समझने में। अगर जी हाँ थोड़ी बहुत भी सहायक हो तो एक काम करेगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और विशेष निवेदन यह है कि अब हम क्या करेंगे पूरे यूपी के डीएलएड के बच्चों का एक स्टडी ग्रुप बनेगा। ठीक है, स्टडी ग्रुप में केवल स्टडी की बात होगी ना कि कोई धरना प्रदर्शन इन सारी चीजों नहीं, स्टडी से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रेगुलर क्लास नहीं जा पाते हैं, उन्हें अपडेट नहीं मिल पाता है, तो उन चीजों को अपडेट करते साथ साथ आपके जो भी रेगुलर के क्लासेस होंगे वन बाई वन डेली बेसिस पे आपके यूनिट के साथ जो भी आपके फाइल्स लिखने हैं जो ये पूरे इस ये जो सिलेबस है इसके साथ ही साथ इसकी पूरी किताब की जो पीडीएफ है वो मैं आप तक भेज दूंगा आसान से शब्दों में एक्सप्लेन करके, ताकि आपकी आप एग्जाम बहुत अच्छे से लिख सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, हम आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो लाइक कर दीजिए, नहीं जुड़े हैं चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स चेक करिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा यूपी डीएलएड का, आप उसे जरूर ज्वाइन करिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, मुझे दीजिए इजाजत, तैयार रहिए आगे और वीडियोस में पढ़ने के लिए। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।